अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हमारे साथ CTO लाहौर एजाज साहब मौजूद हैं और ये उसी सीट पे पॉइंट है जहां से कैप्टन अहमद मुबीन साहब ने शहादत हासिल की और शहादत के मरतबे पर फायज हुए, इसी मुल्क के लिए कुर्बानी देते हुए आज ये उसी सीट पर मौजूद हैं। जानते हैं इनके क्या ख्यालात हैं और ये क्या कहते हैं कि इस तरह के वाक़ात को एक तो कैसे रोका जा सकता है और दूसरा क्या ये उनकी सीट पर बैठ के वैसे काम कर पा रहे हैं जिस जो उनका मकसद था। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर बताइएगा कि कैप्टन अहमद मुबीन साहब ने जामे शहादत नोश किया, आप एक तो ये बताइए कि इस तरह के वाक़ात को कैसे दोबारा रोका जा सकता है और दूसरा उनके मिशन को आगे लेकर आप चल पा रहे हैं। जी एक तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाक़ात को बिल्कुल रोका जा सकता है अगर जो लोग हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं, वो अपने दाएँ और बाएँ देखें कि कौन रह रहा है, जहाँ वो रहते हैं मोहल्ले में वहाँ चेक करें कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो मशकूक हो, जिसकी हरकतें मशकूक हों या कोई उस एक्टिविटीज़ उसकी ऐसी हैं जो एंटी सोशल हैं, इलीगल हैं, तो वो फिल फॉर पुलिस को इतला करें, अपने करीबी थाने में इतला दें, 15 पे इतला दें और जो एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। और ऐसे वाक़ात को बिल्कुल रोका जा सकता है। हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो पंजाब का है वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इन वाक़ात में बहुत हद तक कमी आई है और ये वाक़ात यानी ना होने के बराबर मैं कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा। सर आप कैप्टन अहमद मुबीन साहब के मनसब पर फायदे हैं इस वक्त, आप क्या समझते हैं कि आप जो उनका एक मिशन था क्या आप उस मिशन को आगे लेके चल पा रहे हैं, कोई मुश्किल का सामना या आप उसी मिशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं? जी देखिए जो उनके अंदर एनर्जी थी, जिस तरीके से वो डायनेमिक थे, उसको मैच करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये पूरे महकमे की राय है, ये किसी एक शख्स की ओपिनियन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं के बनाए हुए असूलों पे आगे चलें। हमने जो अपनी कैंपेन रोड सेफ्टी अवेयरनेस जो कैंपेन है उसका नाम भी मिशन मुबीन शहीद रखा है, उसी के उन्हीं के स्लोगन को आगे ले कर चल रहे हैं और इसके अलावा जो जो उन्होंने इकदाम किए हैं उन्हीं के ऊपर हम उन्हीं असूलों के तहत चलते हुए आगे चल रहे हैं और उन्हीं के मिशन को साथ लेकर चल रहे हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी भी हमारा साथ दे ताकि लाहौर के अंदर जो है जो ट्रैफिक है उसकी वायलेशन कम से कम हो जाए। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जो CTO लाहौर एजाज साहब मौजूद थे और बड़े खूबसूरत अल्फाज का इन्होंने चुनाव किया और उनका यही कहना था कि कैप्टन अहमद मुबीन और बाकी जितने भी दीगर जिन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर को दोबारा से वो रौनकें लुटा सके, लोगों की अज़ियत को कम कर सके। हमारे